बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारी क्लास है सी लैंग्वेज की, जिसमें हम यूडीएफ पढ़ेंगे। लास्ट टाइम जो हमने क्लास ख़त्म की थी, डू वाइल पर ख़त्म की थी। मतलब हमने फोर लूप पढ़ा था, वाइल लूप पढ़ लिया हमने। लूप्स जितने भी थे हमने उनको पढ़ा, देखा उनका सिंटेक्स देखा, और उस पर कुछ असाइनमेंट्स बनाई थी। सो नाउ जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, यूडीएफ, और लैब 6। ठीक है, लैब 5 लैब्स हमने कंप्लीट कर ली थी, और हमारी ये छठी लैब है जिसमें हम यूडीएफ पढ़ेंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को। सो बेसिकली यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। जैसा कि शायद मैंने आपको शुरू में कहा था, शुरू वाली क्लासेस में फंक्शंस के बारे में पढ़ाया था कि एक फंक्शन का क्या काम होता है। फंक्शन का काम ये होता है कि वो एक स्पेसिफिक टास्क को जो है वो हल करता है। एक स्टेटमेंट होती है, जेन आप कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, देन वो आप परफॉर्म करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से दो किस्म के जो है, दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं यूडीएफ, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, जो कि हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, और पहले जो हम पढ़ के आए हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस ये होते हैं कि वो लाइब्रेरी में पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं। लाइक जैसे कि क्लियर स्क्रीन हमने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा, क्लियर स्क्रीन गेट सी एच। लैब के लिए फ़िलहाल मैंने जो है एमएस वर्ड यूज़ किया है, ताकि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम एमएस वर्ड पे समझ लें, उसके बाद जो भी प्रैक्टिकल है उसके लिए हम सी प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे। सो जैसे कि ये क्लियर स्क्रीन है, हमारे पास गेट सी एच है, इसी तरीके से कुछ और फंक्शंस हैं लाइक गो टू एक्स वाई जो हमने पढ़ा हुआ है। ये क्या हैं, ये फंक्शंस हैं, तो ये हमने पहले से पढ़ लिए हैं। ये क्या हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि पहले ही लाइब्रेरी में डिफाइंड है, जैसे कि गेट सी एच है हमारा, कौन सी लाइब्रेरी में पहले डिफाइंड है, कोनियो में। आई होप आपको याद होगा कि कोनियो डॉट एच हम क्यों यूज़ करते हैं। इंक्लूड कोनियो डॉट एच हेडर फाइल्स जो होती हैं हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं आपको याद होगा, वरना इस पर एक टॉपिक है, आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो इसी तरीके से ये तो है हमारे फंक्शंस, कौन से वाले फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस। लेकिन यूडीएफ फंक्शंस क्या होते हैं, हम उनको क्यों यूज़ करते हैं, ज़रा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखें, यहाँ पर जितने भी फंक्शंस हैं प्री डिफाइंड, ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमारा काम होगा इन्हीं में से यूज़ होगा। अब जाहिर नहीं, मतलब अब ये नहीं है कि जो भी हमारा काम है वो गेट सी एच पर हो जाएगा, जो भी हमारा काम है वो क्लियर स्क्रीन पर हो जाएगा। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं या कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम है, सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है, तो वो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ यूडीएफ फंक्शन बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है इन दो नंबर्स को ऐड करना है। वैसे सिंपली हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए दो वेरिएबल बनाते हैं। ऑफ कोर्स दो वेरिएबल बनाए हमने, उसके अलावा दो नंबर्स को हमने क्या कर दिया, दो नंबर्स को कर दिया ऐड। तो ये एक प्रोसीजर है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं भाई, इंटीजर ए कामा बी, दो वेरिएबल बनाए, देन ए इक्वल्स टू 34, उसके बाद बी इक्वल्स टू 9। ओके, तो उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, प्रिंट एफ 'addition is then percentage d comma a plus b'। अब देखें ये कितना लंबा प्रोसीजर है, हम यू क्यों नहीं कर सकते, सम 34 comma 9, हम यू क्यों नहीं कर सकते। अब देखें ये इतना कोड, तीन लाइन का कोड, और कहां ये एक लाइन का कोड, काम दोनों से एक ही होगा। आप समझ रहे हैं, आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। देखें यहां पर जो ये चीज है, अगर ये पूरा का पूरा तीन लाइन का कोड एक ही लाइन में हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। सो इसे कहते हैं यूडीएफ। अब ये मेरा बनाया बना फंक्शन होगा यूडीएफ। आप चेक कर लें, सम कोई फंक्शन नहीं है, और सम की फंक्शन मैंने इसलिए दी क्योंकि आप प्रीवियसली एक्सेल पढ़ाए होंगे, एक्सेल पढ़ा होगा आपने, तो एक्सेल में आपने सम यूज किया होगा नंबर्स को ऐड करने के लिए, इंटीजर्स को ऐड करने के लिए। अब बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम यहां करें तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या चीज समझनी पड़ेगी, यूडीएफ का जो है वो सिंटेक्स समझना पड़ेगा। अब सिंटेक्स क्या होता है यूडीएफ का, पहले उसके कुछ रूल्स देख लें। जो सबसे जरूरी चीजें हैं मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए यूडीएफ को, वो ये हैं कि आपको इन तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। कौन सी, सबसे पहली है डिक्लेरेशन, ठीक है, कॉलिंग, और तीसरी जो है हमारे पास डेफिनेशन, जो सबसे अहम
चीज़ है डेफिनेशन। ओके, सो इन तीन चीज़ों को आपने देखना होगा, ठीक है। और एक और बात, यहां पर आपको सिर्फ चार टाइप्स के यूडीएफ बनेंगे। कितने टाइप्स के? मैंने कहा कि दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं, एक प्री डिफाइंड फंक्शन और एक जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसके बाद टोटल जो फंक्शंस की टाइप होती हैं यूडीएफ की, वो कितनी होती हैं? फोर, ठीक है। वो फोर टाइप्स मैं लिखवा रहा हूं आपको। अब आपको जो भी फंक्शन मिलेगा, इवन जो प्री डिफाइंड फंक्शन भी मिलेंगे, वो भी यही अप्रोच होगी। मीन्स चार अप्रोचेज होती हैं यूडीएफ की, यूजर डिफाइंड फंक्शंस की चार अप्रोचेज होती हैं, ठीक है। अगर पीडीएफ भी बना हुआ है कोई, लाइक प्री डिफाइंड फंक्शंस भी अगर कुछ बने हुए हैं, तो वो भी इसी अप्रोच में से बने होंगे, लाइक नो रिटर्न नो पास। अब देखें, नो रिटर्न नो पास की मैं एक एग्जांपल देता हूं प्री डिफाइंड से, ठीक है। लाइक क्लियर स्क्रीन, CLR, क्लियर स्क्रीन। अब ये जो फंक्शन है, ये मैंने इसलिए इसमें लिखा ब्रैकेट्स में एक एग्जांपल के तौर पे। अब देखें, ये ना तो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ना तो कोई वैल्यू पास कर रहा है। अब ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब अप्रोचेस को आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको अप्रोचेस और इसका सिंटेक्स, जो रूल्स हैं, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, कॉलिंग कैसे करते हैं, और डेफिनेशन समझ आ गया, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा यूडीएफ क्या होता है। एक तो पहली अप्रोच इसकी क्या है, नो रिटर्न नो पास। इसकी दूसरी अप्रोच है नो रिटर्न बट पास। इसका मतलब ये कि पहला जो है, इसका मतलब ये कि वैल्यू जो फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ना ही कोई वैल्यू पास करेगा। उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है नो रिटर्न बट पास, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न तो नहीं करेगा बट हाँ पास करेगा। इसकी एग्जांपल है हमारे पास गो टू एक्स वाई। आई होप गो टू एक्स वाई आपने यूज किया होगा, अगर यूज नहीं किया तो एक बार इसको यूज कर लें। देखें, अब गो टू एक्स वाई में क्या है हमारे पास, गो टू एक्स वाई में फंक्शन जो है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, बट हाँ दो आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहा है, 12 and 8। आपको पता है 12 and 8 मैंने क्यों यूज किए हैं, सो ज्यादा डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं नहीं जा रहा। तो अच्छा, ये लिमिटेड फंक्शन नहीं है, इसकी और भी काफी सारी अप्रोचेज हैं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पास एक और इसकी अप्रोच, रिटर्न बट नो पास। अब इसकी एक एग्जाम्पल आपके सामने है, गेट सी एच या गेट सी एच ई। अब गेट सी एच ई कोई वैल्यू रिटर्न तो करता है बट पास नहीं करता, जैसे कि मैंने लिखा सी एच ई क्यूस टू गेट सी एच ई। अब गेट सी एच ई क्या करता है, आपको पता है, करेक्टर लेता है। अब यहां पर क्या कर रहा है, इस लाइन में क्या कर रहा है गेट सी एच ई, जो भी करेक्टर वो ले रहा है वो किस में स्टोर कर रहा है, सी एच में। ओके, सो अभी जो भी लाइक हम करेक्टर लेंगे वो विदाउट बफर वो क्या कर देगा, सी एच में जो है वो स्टोर कर देगा। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट अप्रोच है, वो है वो कौन सी होगी, वैल्यू रिटर्न भी करेगा एंड पास भी करेगा। ये थोड़ी हमें देखने की जरूरत है, इसका कोई मुझे प्रीडिफाइंड फंक्शन फिलहाल जहन में नहीं आ रहा, लेकिन हम जो है इस पर काम करेंगे। अब इस पर क्या होगा, लाइक कोई फंक्शन होगा, लाइक मैंने एक फंक्शन का नेम लिखा, वो क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट पास भी करेगा और उसको क्या करेगा, रिटर्न भी करेगा। लाइक मैंने क्या लिखा, एस इक्वल्स टू नेम ए कामा बी। अब नेम क्या है, ये फंक्शन नेम है, फंक्शन है जो दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है, ए एंड बी, और वो दोनों रिटर्न हो रही है वैल्यू, किसको, एस को वैल्यू रिटर्न हो रही है। सो इसके हम एग्जाम्पल प्रोग्राम्स बनाएंगे भी सही। सो ये सिर्फ क्या था, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था किसका, यूडीएफ का। सो अब आते हैं इसके आगे कि ये इसका सिंटेक्स कैसे है, इसका इसको लिखा कैसे जाएगा, एक एग्जाम्पल प्रोग्राम इसका कैसे किया जाएगा। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन में कह लेता हूँ कि सी अलाउज यू टू डिफाइन फंक्शंस अकॉर्डिंग टू योर नीड, दीज फंक्शंस आर नोन एज यूजर डिफाइन फंक्शन। जैसे मैंने कहा कि आपकी नीड के मुताबिक आपने जो चीज़ परफॉर्म करनी हो उसके लिए हम यूजर डिफाइन फंक्शन यूज करते हैं। ओके, अच्छा, इसमें एक और खासियत यह है कि आपने अगर पीछे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, लाइक आपको गो टू एक्स वाई के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लाइक अगर आपको इफ के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, डिले आपको समझ नहीं आया, तो यूडीएफ में आपको एक और चांस मिल जाता है वो पिछले जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर करने में। वो कैसे, वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा। इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाते हैं, कौन सी पहली अप्रोच का, ये मैं फिलहाल मिटा रहा हूँ।
ये पहली अप्रोच का जो है हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बना रहे हैं। चलें एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम हम रखेंगे इरेज। वो क्या करेगा, इरेज बेसिकली क्या करेगा, क्लियर स्क्रीन वाला ही काम करेगा। क्या करेगा, क्लियर स्क्रीन वाला ही काम करेगा। मीन्स जहां जहां हम क्लियर स्क्रीन यूज करते थे, अगर हम वहां इरेज यूज करें, अब आपको पता है कि इरेज जो है पहले फंक्शन है नहीं, हमने बनाया। अगर हम ऐसे सी प्रोग्रामिंग में इरेज लिखेंगे तो वो क्या कहेगा, भाई प्रोटोटाइप एरर दे देगा। आप प्रोटोटाइप एरर क्या होता है वो आपको पता है। चलें अब इरेज हम, अब हमारा वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि इरेज हम एक फंक्शन बनाएंगे मतलब इसका नाम इरेज होगा, और वो ना तो कोई वैल्यू रिटर्न करता होगा ना ही कोई वैल्यू पास करता होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहां से एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। देखिए मैंने इसको सेपरेट कर लिया, वो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अलग चीज है। कोडिंग में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये कोडिंग आप डायरेक्ट वहां पर भी लिख सकते हैं, इंक्लूड कोनियो डॉट एच देन इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। मैं इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देता हूं ताकि आपको दिखे। ओके उसके बाद void main, ये वही प्रोग्राम बना रहा हूं जो सिंपल सा एक प्रोग्राम होता है, printf हेलो। अगर यहां पर आपको कोई केस एरर दिखे, लाइक अगर p इसका ये बड़ा रहा है, तो इसको आप फिलहाल इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आपको पता है मैं ms word यूज कर रहा हूं, ये turbo c है नहीं। ओके तो get ch ओके तो आमतौर पर हम यहां क्या यूज करते हैं, क्लियर स्क्रीन। तो क्या होता है, क्लियर स्क्रीन से जो प्रीवियस स्क्रीन है हमारी वो क्लियर हो जाती है। तो मैं चाह रहा हूं कि यहां पर मैं क्लियर स्क्रीन नहीं बल्कि मैं यहां यूज करूं क्या, इरेज। अब ये क्या है, इरेज। अब अगर यहां इसको मैं सी प्रोग्रामिंग में कंपाइल करूंगा या रन करूंगा तो क्या कहेगा कि भाई जो इरेज है, ये जो नाम इरेज आपने लिखा है, ये एरर है, इसका प्रोटोटाइप एरर है। मतलब इसकी कोई लाइब्रेरी में कोई डेफिनेशन नहीं है जो इसको आपने कॉल करवाया, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसकी डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। अब याद रखें, याद है मैंने आपको ये तीन चीज़ें बताई थी, ये वाली तीन चीज़ें। अब वहाँ ये थोड़ा इसको गौर करें आप, डिक्लेरेशन क्या होता है, कॉलिंग डेफिनेशन। सबसे पहले हम आते हैं डिक्लेरेशन पे। अब डिक्लेरेशन ये है कि आप जो फंक्शन बनाने जा रहे हो वो कौन सा फंक्शन है, वो क्या चीज़ है, प्रोटोटाइप क्या है। आप उसको अगर डिफाइन करने आगे जा रहे हो तो सबसे पहले उसको डिक्लेयर करोगे वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिक्लेयर करेंगे। अब डिक्लेरेशन कहाँ होती है, याद रखिएगा, डिक्लेरेशन होती है हेडर फाइल्स के बाद, मेन से पहले, ठीक है। डिक्लेरेशन होती है मेन से पहले, मेन बॉडी से पहले। तो अब फंक्शन, सबसे पहले आपने ये अप्रोच बतानी है कि भाई हमारा जो फंक्शन है वो नो रिटर्न, ना तो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा ना ही कोई वैल्यू पास करेगा। तो ये लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, void। void एक डेटा टाइप है जो कि ये हमें बताता है कि आपका जो फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, नल वैल्यू रिटर्न करेगा। आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक अच्छी प्रोग्रामर की अप्रोच ये है कि आप void लिखें। जैसे हम यहाँ void main मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं int भी लिख सकता था। ओके चलें, void लिखा। अब इस void का मतलब मैंने ये दिया कि भाई मेरा जो फंक्शन जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। तो उसके बाद void means जो हमने कहा कि भाई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, उसके बाद हमने क्या देना होता है, नेम ऑफ द फंक्शन। अब नेम ऑफ द फंक्शन हमारा क्या है, इरेज। याद रखें फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, और एक बार जो आपने फंक्शन का नाम लिखा बस उसको जहन में रखें, कॉलिंग के वक्त भी आपने वही यूज करना है और डेफिनेशन के वक्त भी वही यूज करना है। तो हमने सबसे पहले यहां क्या लिखा, void इरेज देन क्लोज टर्मिनेटर। अब ये हमने क्या कर दी, मैं इसको कमेंट्स में लिख देता हूं आपके सामने, ये हमने कर दी डिक्लेरेशन। ओके डिक्लेरेशन हो गई हमारी, ये कमेंट्स में मैंने यूज किया है, आपको पता है कमेंट्स हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर मैं यहां void भी ले सकता हूं, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं इसको चलें स्किप कर रहा हूं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर नहीं आता इसका, ठीक है। अगर आपके पास कोई वार्निंग आ भी रही है तो void लिख लीजिएगा। ओके मैं फिलहाल बता रहा हूं, चलें। उसके बाद अब देखें, अब ये क्या चीज क्या है, ये क्या है, कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं डिसाइड किया कि ये फंक्शन करेगा क्या, कॉल तो करवा दिया हमने, फंक्शन को कॉल करवा दिया कि भाई ये फंक्शन हमने जो डिक्लेयर किया उसको कॉल करो, ये कॉल भी हो गया, लेकिन कोई
टास्क परफॉर्म नहीं होगा। जैसे आप क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हैं, गेट सी एस यूज़ करते हैं, आपको पता है फंक्शन तब तक होता है जब तक मतलब तब तक वो बफर को इंटरेक्ट करके रखता है कि जब तक आप उसका टास्क पूरा ना करें वो आगे नहीं बढ़ेगा। लाइक जैसे ही हमने बेसिक पढ़ी थी जब हेलो वर्ड बना रहे थे हम, तो क्लियर स्क्रीन क्या कर रहा था, अपना प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर कर रहा था। मीन्स फंक्शन अपना एक पर्टिकुलर टास्क है उसको पूरा कर रहा था। उसके बाद प्रिंट एफ हेलो हमने दिया, हेलो जो है अपना काम कर रहा था, हर फंक्शन का एक पर्टिकुलर काम है वो करके देन जो आपका फ्लो है वो आगे चलता है। अब गेट सी एच पर आके हमारा कर्सर रुक रहा है, हमारा फ्लो जो है वो रुक रहा है, हमारा कंपाइलर जो है वो रुक रहा है। अब जब तक फंक्शन का काम पूरा नहीं हो रहा, हम लाइक गेट सी एच का काम पूरा नहीं होगा, फंक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, आपको भी पता है। तो जैसे ही हम कोई भी की हिट करते हैं गेट सी एच में, उसके बाद ही हमारा जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके देन बंद हो जाता है, फिनिश हो जाता है। एग्जीक्यूट तो खैर पहले ही होता है। ओके, तो यहाँ पर हर फंक्शन का एक काम है, जब तक वो उस फंक्शन का काम पूरा नहीं होता फिलो हमारा आगे नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर इरेज का कोई हमने काम ही नहीं दिया, डिक्लेरेशन हमने कर दी, डिक्लेरेशन हम कब करते हैं वो भी मैंने बता दी, कॉलिंग क्या है वो भी बता दी। अब आते हैं किस पर, डेफिनेशन पर। याद रखें डेफिनेशन कब होती है, अब इस तीन चीज़ों को ज़रा गौर से देखें, डिक्लेरेशन, कॉलिंग और डेफिनेशन। डिक्लेरेशन होती है मेन बॉडी से पहले, डिक्लेरेशन होती है, और मेन बॉडी के अंदर जो है वो कॉलिंग होती है। बट मेन बॉडी के बाहर होती है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन ईजी है क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई इरेज, ठीक है, ये मैंने इरेज इसलिए लिखा क्योंकि पीछे जो मैंने डिक्लेरेशन की है वो भी इरेज के नाम की है, फंक्शन नेम सेम होना चाहिए। कॉलिंग के वक्त सिर्फ फंक्शन नेम कॉल होगा, सिर्फ फंक्शन नेम, नो रिटर्न टाइप्स लाइक वॉइड, ये वाली चीज़ें रिटर्न या लिखी नहीं जाएंगी। सिर्फ कॉलिंग के वक्त क्या लिखा जाएगा, फंक्शन का नाम, नेम ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पर देखें, यहाँ मैंने क्या किया है, डेफिनेशन लिखी है मैंने इसकी। अब डेफिनेशन के लिए हमें बॉडी स्टार्ट करनी पड़ती है। मैंने यहाँ देखें, मैंने इसको टर्मिनेटर नहीं लगाया, अगर टर्मिनेटर लगा दूंगा तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर बंद हो जाएगा, और लेकिन यहाँ पर मैंने टर्मिनेटर लगाया है। ओके, अब इस बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो क्या करेगा, कॉल करने पर, फंक्शन कॉल करने पर वो टास्क परफॉर्म होगा। अब आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप वो लिखें। अब लेकिन यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्लियर स्क्रीन, ठीक है, सिर्फ क्लियर स्क्रीन लिखा है। अब अल्टीमेटली होगा ये कि जब जब आप मेन बॉडी के अंदर इरेज को कॉल करेंगे, अब फंक्शन की एक और खासियत ये है कि रीयूजिबिलिटी, ये फंक्शन की मतलब बहुत अच्छी खासियत है कि आप एक फंक्शन बना रहे हो, लाइक हमने याद है हमने टेबल पढ़ा था, टेबल में हम हर टेबल को बार बार प्रिंट करने के लिए बार बार बना रहे थे, क्यों ना एक फंक्शन बना दें टेबल के नाम से। आगे जो मैं आपको बनवा रहा हूँ टेबल का फंक्शन, जिसमें टेबल का नाम होगा, देन उसमें जितने भी हम आर्ग्यूमेंट देंगे वो एक टेबल आएगी, टेबल प्रिंट होके आएगी। पहले हम क्या करते थे कि जितनी टेबल्स हमें प्रिंट करवानी होती थी उतने बार लूप चलाना पड़ता था, क्यों ना हम एक फंक्शन बना दें, वो फंक्शन क्या करे कि उस पर टेबल नंबर लिखें, ठीक है, तो बार बार लूप चलाने की जरूरत ना पड़े, बार बार इतनी सारी कोडिंग करने की ना पड़े, एक ही बार कोडिंग करें और जब जब हम उसको कॉल करें अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से तो वो काम करे। तो इस पर हम ज़रूर काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फिलहाल आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि फंक्शन की जो खासियत है, एक बड़ी खासियत, एक अच्छी खासियत वो ये है कि रीयूजबिलिटी, आप जब चाहें फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब लाइक अगेन मैंने यहाँ पर अगर इस फंक्शन को यूज़ किया है तो ये क्या काम करेगा, अब देखें यहाँ पर फिलहाल मैंने इसकी डेफिनेशन है वो बिल्कुल छोटी बनाई है सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, यूडीएफ होता क्या है। तो यहाँ देखें, अब होगा ये कि ये जो इरेज है ये क्या करेगा, यहाँ पर इसका डायरेक्शन जो है, इसकी फ्लो जो है यहाँ डेफिनेशन में आ जाएगा। अब डेफिनेशन में ये इसको रीड करेगा क्लियर स्क्रीन को। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि इरेज में कौन सा काम किया, क्लियर स्क्रीन वाला काम किया। सो आई होप आपको ये यूडीएफ की जो पहली अप्रोच है नो रिटर्न नो पास, ये अच्छे से समझ आई होगी। सो इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट अप्रोच है वो हम पढ़ेंगे नो रिटर्न बट पास। लेकिन उससे पहले हम इसकी एक यूडीएफ एग्जाम्पल भी समझेंगे। ये जो हमने एग्जाम्पल समझी वो कौन सी थी, वो थी क्लियर स्क्रीन की ही। सो क्लियर स्क्रीन तो हमने पहले भी यूज किया है ना, तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट अप्रोच इसकी यूज करेंगे वो हमारी यूडीएफ अप्रोच होगी। ओके, सो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।